अभी हम देख रहे हैं दुनिया में हर जगह जंग छिड़ी हुई है विच कंट्री एसोशिएटेड विद बी सिक्सटी वन बी सिक्स वन वन थ्री बी सिक्स वन वन थ्री क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब है ये किसने बनाया है यू एस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब नया बनाया है बी सिक्स बी सिक्स वन वन थ्री अभी अब आपको एटॉमिक बॉम्ब से हिरोशिमा और नागासाकी के इंसिडेंट्स तो याद आ ही रहे होंगे आपको पता है नाइनटीन फोर्टी फाइव में छः अगस्त और पंद्रह आई थिंक नाइन अगस्त डेट आप चेक कर लीजिए को हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स हुई थी पूरी पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी वो विश्व के इतिहास में सबसे एक बड़ा ट्रेजिडी इसको माना जाता है वहाँ जो नागासाकी में उस न्यूक्लियर बॉम्बिंग को कमोरेट करने के लिए एक वहाँ पे उन्होंने एक स्टोन प्लाग लगाया हुआ है उस पर लिखा गया है वी शेल नॉट रिपीट दिस इविल वी शेल नॉट रिपीट दिस इविल उन्होंने इससे ये संदेश देने की कोशिश की है दुनिया को कि जितनी ट्रेजिडी हमारे देश के साथ हुई है हम नहीं चाहते वो और कहीं हो और कोशिश करनी चाहिए न्यूक्लियर आर्म्स रेस है कम से कम हो और इसको कंट्रोल किया जा सके तो ये जो हमारा बॉम्ब है न्यूक्लियर बॉम्ब ये यू बना रही है और इसके लिए दो तीन इन्फॉर्मेशन आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ याद रखनी पड़ेंगी फर्स्ट क्या है यू बना रही है दूसरा क्या है इट इज़ ट्वेंटी फोर टाइम्स मोर पावरफुल जो हिरोशिमा पे ड्रॉप किया गया था वर्ल्ड वॉर टू में जैसे हमने देखा उससे 24 गुना ज़्यादा पावरफुल है और 14 टाइम्स बिगर देन 25 फाइव किलो टन बॉम्ब जो नागासाकी में यूज किया गया था तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यू एस एज़ डूइंग इट इसका नाम याद रख लीजिए आपको वैसे पूछ लेंगे द टर्म बी सिक्स वन वन थ्री रिसेंटली न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हां दे देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई मिसाइल या कोई सबमरीन तो आपको इसका बस ये नाम याद रखना है यू एस ए ने बिल्ड किया चौबीस गुना ज्यादा बड़ा है हिरोशिमा वाले बॉम्ब से और चौदह गुना नागासाकी वाले बॉम्ब से दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट राइट दट्स मूव फॉर